नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों मूवीज रिकमेंडेशन के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे Netflix पर अवेलेबल 5 ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिन्हें जब आप देखेंगे तब ये फिल्में आपको रोमांच के एक ऐसे सफर पर ले जाएंगी जहां पहुंचने के बाद आपको डर के आगे जीत है के अलावा डर के आगे एंजॉय है, एक्साइटमेंट है और एंटरटेनमेंट है जैसा भी फील होगा। दोस्तों नंबर 5 पर है गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर नाम की ये फिल्म और ये कहानी है डोनाल्ड कोच नाम के एक ऐसे आदमी की जिसकी एक वाइफ है लिज जो प्रेग्नेंट है। और इस फिल्म में दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि डोनाल्ड अपने और अपनी वाइफ के रहने के लिए एक पुराना घर खरीदता है। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जब डोनाल्ड अकेले पहली बार इस घर में अपने पालतू कुत्ते के साथ पहुंचता है तब उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जिसमें से एक लड़की है सारा। तो दोस्तों कौन है ये लड़की और डोनाल्ड की जिंदगी में क्या कुछ बदलता है इस लड़की से मिलने के बाद, इसी के साथ दोस्तों क्या राज छुपा है इस घर में, यही सब देखने के लिए मिलता है आपको इस फिल्म में। दोस्तों नंबर 4 पर है इन द टॉल ग्रास नाम की ये सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा फिल्म जिसकी स्टोरी टेलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन ये मूवी आपको स्टार्ट टू एंड तक अपने साथ बांध कर रखती है। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है अपने सेम नेम इन द टॉल ग्रास नॉवल पर जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं बेकी नाम की एक यंग लड़की जो प्रेग्नेंट है और बेकी का भाई केल। इसी के साथ दोस्तों मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बेकी और केल जब एक रोड पर अपनी कार से गुजर रहे होते हैं तब एक जगह केल बेकी की तबीयत खराब होने की वजह से कार रोक लेता है। और दोस्तों जिस जगह बेकी और केल अपनी गाड़ी रोकते हैं उसके ठीक बराबर में एक टॉल ग्रास वाला खेत और एक चर्च हमें देखने के लिए मिलता है जहां से एक बच्चे की आवाज आती है जो टॉल ग्रास वाले इस खेत में खो जाता है। उसके बाद दोस्तों बेकी और केल उस बच्चे की आवाज सुनकर उसे ढूंढने के लिए इस खेत में एंटर करते हैं और उसके बाद किन किन लोगों से केल और बेकी की मुलाकात होती है इस खेत में और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम घटता है बेकी और केल के साथ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों नंबर 3 पर है द रिचुअल नाम की ये फिल्म जो कि एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जिसे ईयर 2017 में रिलीज किया गया था। और दोस्तों ये फिल्म बेस्ड है अपने सेम नेम द रिचुअल नाम के नॉवल पर। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी में हमारी मुलाकात होती है रॉब, फिल, डॉम, ल्यूक और हच नाम के 5 दोस्तों से जो एक दिन एक पब में मिलते हैं और एक हॉलीडे प्लान करते हैं। और कुछ देर बाद दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सभी दोस्त पब से बाहर आते हैं और अभी सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि ल्यूक और रॉब पास की एक वाइन शॉप से वोदका परचेस करने के लिए जाते हैं जहां ल्यूक और रॉब के साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें रॉब मारा जाता है। तो दोस्तों क्या हादसा होता है रॉब और ल्यूक के साथ इस वाइन शॉप में और इस हादसे के कुछ महीने बाद क्या कुछ घटता है सभी दोस्तों की जिंदगी में, ये सब देखने और जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों नंबर 2 पर है ईयर 2017 में आई जेराल्ड गेम नाम की ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी। और दोस्तों ये कहानी है जेसी और जेराल्ड की जो कुछ समय बिताने के लिए एक आइसोलेटेड लेक हाउस में पहुंचते हैं जहां पहुंचने पर जेसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे देखकर ना सिर्फ ये फिल्म आपको डराती है बल्कि ये फिल्म जेसी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनुभवों को भी हमारे सामने रखती है जो फिल्म देखने के बाद हमें कुछ देर के लिए रुक कर सोचने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली 5 हॉरर मूवीज की लिस्ट में पहली फिल्म है द विच। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है ईयर 1630 में जहां हमें देखने के लिए मिलती है एक प्यूरिटन फैमिली जिसे इंग्लैंड में प्यूरिटन कॉलोनी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्यूरिटन कॉलोनी से निकाले जाने के बाद ये प्यूरिटन फैमिली एक जंगल में रहने लगती है। तो दोस्तों कितने मेंबर्स हैं इस फैमिली में और दोस्तों इसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम घटता है इस फैमिली के साथ इस फिल्म की कहानी में और कौन है ये प्यूरिटन फैमिली, तो ये सब जानने के लिए भी देखनी होगी आपको ये फिल्म।
तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी हॉरर मूवीज जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।